भाई सरकार आपकी है ना, वहां पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रही। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहां पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार, उनके प्रशासन की भी बनती है पूरी तरीके से कि एविडेंसेस के साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ऐसे में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। पीड़ित परिवार को इस वक्त न्याय चाहिए, जिसके लिए सीबीआई पूरी मुस्तैदी से वहां पर लगा हुआ है। पर अगर स्थानीय प्रशासन का वहां पे सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके संरक्षण में अगर इस तरीके से एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ होगी तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय। भाई सरकार आपकी है ना, वहां पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रही। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहां पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार, उनके प्रशासन की भी बनती है पूरी तरीके से कि एविडेंसेस के साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ऐसे में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। पीड़ित परिवार को इस वक्त न्याय चाहिए, जिसके लिए सीबीआई पूरी मुस्तैदी से वहां पर लगा हुआ है। पर अगर स्थानीय प्रशासन का वहां पे सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके संरक्षण में अगर इस तरीके से एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ होगी तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।